जी देखो, आज विवेक लेकर आया सदियों पुरानी तलवार। वो बोल रहा मेरे को खेत में मिली, वहाँ पे मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। देख सकते हो कितनी सारी जंग लगी हुई है और ये कितनी सदियों पुरानी तलवार है। तो ये गल चुकी है, नीचे से भी गल चुकी है, ऊपर से भी टूटी है, लेकिन इस समय भी काफ़ी वजन है। देखो यहाँ से पकड़ते हैं, ये नीचे का गल चुका है, लेकिन यहाँ से पकड़ते हैं, ये होगी तलवार। यही शाबाश। गल गई है वो, बिल्कुल गल गई है बहुत पुरानी। और सोनी जी, तेरे को पता है तेरे बच्चे को खजाना मिला है, बहुत पुराना, सदियों पुराना। विवेक है, तलवार ढूंढ कर लावा, टूटी मोटी सीन ने जो करो खेत में ड्रीम इलेक्ट्रिक करेगा थे। और क्या बन रहा है? तो अनिशा जी, फली। तो आज ग्वार की फली की सब्जी बन रही है, और यहाँ पे हमने शाम को इसको निकाल के रख दिया था। है अभी इसमें से बाहर जैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं देखो, हमारी अंजू सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, ये देखो। तो विवेक से सुनो, वो तलवार की कहानी बोल रहा है, राजा महाराजा लड़ाई भई है, राजा महाराजा ने युद्ध भयो, युद्ध तो इतने देख ली है, तो टूट गई थी, वहीं टूट रही रह गई। वो मेलो है, वो खेत की बाउंड्री है रही है वो। बावड़े। हेलो, राम राम जी। और सब कैसे हो जी? ऐसा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्लीज लाइव ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। तो अभी बच्चे स्कूल चल दिए, आराम से जाना है जी। अभी हमारी गुबार की जो सब्जी बनाई आज, काफी मस्त है, देख सकते हैं बन चुकी है। तो बस चलिए अभी हम खाना खाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। चलिए जी, अभी बाहर बैठ के हवा में खाना खाएंगे। क्यों साफ करे में लगे हैं? हम जो सवेरे में सोए गए हैं नीचे जाके, हैं? गाँव तो निकलना है, दुबई से ना दुबई है। निशा मट्टी बीनने में लगी है, कितनी मट्टी बीन दी? ओह, उस साइड में तेरी गई इतनी मट्टी निकली है इसमें। जब भी तो गेहूँ धुल जाते तो सही रहते, धूप नहीं निकल रही इसलिए धुल नहीं पा रहे हैं अभी। तो ऐसे ही बीनने पड़ेंगे एक एक करके। आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को, 3-4 घंटे लगेंगे गेहूँ साफ करने में, जब पीस पिसाई के लिए जाएंगे चक्की पे। दोस्तों कुछ यूनिक बन रहा है, कुछ नया ही तरीका, क्योंकि अभी तक हम भुट्टा खा रहे थे उसको भून भून के, आज कुछ नए तरीके से खाने को मिलेगा। अभी जो भुट्टा है ना, हमने सारे जितने भी भुट्टे हमारे इनको पानी के अंदर डाल दिए उबालने के लिए। तो उबाल के सोनी कैसे क्या करेगी वो देखते हैं। इनको पानी के अंदर डुबो के रखना है, हा? बस अब तो डूब गए। तो अभी हमारी मक्का है जो भुट्टा, मक्का 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 बोलते हैं हमारे यहाँ पे, भुट्टा कम बोलते हैं। हाँ, तो अभी ये उबल चुकी है। ये देखिए दोस्तों कितनी गजब की दिख रही है, वाह। ये अभी हमारी मक्का उबल चुकी है, तो उसके दाने देखो कितने पीले पीले दिख रहे हैं, एकदम मस्त। अभी हम गैस चालू करते हैं और हमको सबसे पहले जीरा भूनना है। जीरा भूनना। आज की रेसिपी को देख के दूर नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं यहीं खा के जब जाएंगे यहाँ से इधर उधर। डालेंगे 2 चम्मच जीरा भूनने के लिए। देखो जी, मक्का तो हमने बहुत खाई है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से सोनी बना रही है इसको। ट्राई करते हैं कैसी लगती है, आप सबको भी पता चल जाएगा स्वाद का। तो अभी हमारा जीरा भुन चुका है और इसको खल्लड़ में डाल के कूट लेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। हाँ, पाउडर बनाएंगे इसका। तो इसको हमारी अंजू जी कूटेंगी। है कूटिए, देख लो आज सोनी ने नया पोंछा निकाला है। पोंछा है वो? तो बर्तन वगैरह पकड़ के ले। हाँ, बर्तन वगैरह बहुत तो पोंछ रही थे और का है वो। पोंछाते पोंछा लगाते हैं वो होता। तो इसको चटपटा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिएगा? एक काला नमक है आधी चम्मच, ये कौन सादा नमक है? ये सादा नमक, टाटा नमक। हाँ, ये सादा नमक है। थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची पाउडर, यानी 1 चम्मच में से 1/3 हिस्सा, थोड़ा सा। ये चाट मसाला आधी चम्मच, आधी चम्मच चाट मसाला इस्तेमाल में लेंगे। और अंजू जी, पिस पाया कि नहीं जीरा?
जैसा पाउडर बना दिया है फिर भी रह गया है। तो हमने ये देखिए जीरा का पाउडर बना लिया है और हमारा खलड़ में एकदम बढ़िया से बन गया। और भुना हुआ जीरा है ना, तो इसमें से काफी मस्त खुशबू आ रही है। चलिए अभी हम नींबू काटते हैं। चटपटा बनाने के लिए नींबू तो चाहिए है। तो दो नींबू लेंगे इसमें, एक नींबू हमने कटिंग कर ली। देखो कितना रस का भरा हुआ है, एकदम मस्त। ये देखिए नींबू का इस्तेमाल ऐसे करेंगे हम, जो हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है इसी को मक्का पे अच्छे से नींबू की सहायता से लगा देंगे, तो ये खट्टा चटपटा नमकीन सब पता नहीं लगेगा। कितने स्वाद चलेगा इसके अंदर। मेरा तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया। अंजू कैसे लार मंट पका दियो, हाँ ऐसी लग रही है। अभी देखो भैया जी, अभी देखो अभी कितना मस्त लग रहे हैं ना। हमारी जो चटनी में मक्का है इसके ऊपर धनिया भी रखा हुआ है, तो सब में मसाला लगा हुआ है अच्छे से देख सकते हैं। तो बस अभी कढ़ाई के अंदर एक चम्मच घी डालेंगे। हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे अपनी मक्का को। घी हमारा गरम होगा। अच्छा घी के अंदर इनको तलेंगे अभी हम। सोच कर देखिए दोस्तों, मक्का उसमें इतना चटपटा मसाला लगा हुआ, फिर उसको घी के अंदर तलेंगे, फिर उसको खाएंगे। मुंह में पानी आ गया है। एक एक दो दो तलती तो अरे सब तल जाएंगे। सब तल जाएंगे, सब तल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तलनी चाहिए बस। अंजू कैसे डंडा लेकर खड़ी है, देखें बजाएगा मुंडे में हाँ। अंजू अंजू बोन देना ने। अच्छे से चला लेंगे इसको, जिससे चारों तरफ से हमारी मक्का है जो तल जाएगी। और इसके अंदर नींबू भी डालेंगे हम ऊपर से, इसमें इसमें खट्टापन आ जाए। कोई भी चीज खाओ, स्वाद लेकर खाओ तो आनंद भी आता है। और अभी हमारी जो मक्का है अच्छे से तल चुकी है और गैस बंद कर देंगे। 2 मिनट तली है। हाँ 2 मिनट। अभी देखिए जी अभी धनिया भी डल गया और कितनी मस्त दिख रही है ये। थोड़ा सा और ऊपर से चाट मसाला और थोड़ी सी डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर स्वाद दोनों आ जाएंगे। तो सोनी की चाट बन ओ चाट बन रहे हैं, मक्का चाट जो मक्का कुछ भी बोलो इसको, लेकिन है चटपटा काफी मजेदार बन के हो गया तैयार। पसंद आए तो बस आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्त। यहाँ पर देखो अब इसको कैसे खाना है, ऐसे करके उठा लीजिए, जौन सी बड़ी दिखे उसको उठा लेते हैं। बड़ी तो ये वाली है, ये नहीं मक्का ज्यादा इसके अंदर दाने हैं, तो इधर से और इधर से ऐसे हाथ लगाना है और उसके बाद में खाना है। तो सभी लोग एक एक ले लीजिए। अभी हम इसको खाते हैं और आप भी स्वाद चखिए और हम ही आपको बताते हैं चख के खाते हैं। दोस्तों भुनी हुई से ज्यादा मस्त तो ये लग रही है, उबाल के खाइए ऐसे चटपटी बना के देखिए स्वाद। बहुत ही अमेजिंग, आनंद आ गया है। कैसी लग रही है, अच्छी लग, इसका तो बस इतना ही आवाज निकलता है, अच्छी लग रही है बस। और देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मक्का, कैसी लग रही है सभी बताइए, सभी लोग अच्छी लग रही है, यम्मी टेस्टी, यम्मी टेस्टी और अच्छी ऐसे बोल रहे हैं। एमपी के तो बोलते हैं अच्छी लग रही है, राजस्थान के बोल रहे हैं यम्मी टेस्टी लग रही है। और भी मसाला लगवा लिया है मैंने थोड़ा सा, अब खाते हैं। मेरे में देखो कितना मसाला है, तेरे में तो सबसे ज्यादा ही लगा हुआ है। मेरे में देखो अभी कमेंट आएंगे कि अम्मा बाबा कहाँ गए, उनको क्यों नहीं दिया है, 2 दिन से खिला नहीं रहे हो। अम्मा बाबा भी गाँव में गए हैं, पहले क्या आवा खाना है। चल ले चीज ले, कपड़ा अंजू तो कह रही है, अंजू सगन तक मूडी बड़ी है देखिए, बाकी अभी मकाऊ ना खा भी, हम सब जा रहे फ्री हो गए खा के, सब फ्री हो गए, लेकिन उसकी अभी याद ही रखी है। मका खा के कपड़ा देवे लग गए हाँ। हाँ। अभी रेसिपी बनाइए बहुत बढ़िया, आज कोई मीठा बनाइए, मिठाई वगैरह। दोस्तों आज की जो रेसिपी बनाई ना सोनी ने, ये देखिए बस 3 बर्फी बची है अभी, आप सभी खा लीजिए, इतनी गजब की बनी है रेसिपी, बहुत ही अमेजिंग बेसन की बर्फी बनाई है ये। तो ये भी वीडियो सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है, वहाँ पर ज़रूर देखना जाके। और आप सबका चाहते हैं इस पर बहुत सारा प्यार मिले,
क्योंकि ये अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो अपने अपने घर पे जरूर बनाना इस तरीके से। काफी गजब की, बहुत ही टेस्टी। तो अभी शाम का टाइम हो गया और आज दिन में कहीं घूमने भी नहीं जा पाया क्योंकि आज की जो रेसिपी मेरा बहुत टाइम लग गया बनने में। उसमें क्या था कि ऐसे ही एक तो लेट स्टार्ट किया, दूसरी बात हमारे पे इस समय दूध नहीं था तो फिर दूध लेकर आए और उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए। तो शाम भी होते होते अभी खाना भी निशा बना रही है हमारी सोनी भी ने बना बने गए बर्तन माँज के रख दिए रेसिपी को। बहुत बढ़िया रेसिपी बनी आपने तो देखी है। तो यहाँ पे निशा अभी खाना बना रही है, बस बन गया है। सो निशा सब्जी क्या है आज? कुछ नहीं, चटनी। चटनी दिन में बढ़िया बढ़िया चीज खाओ और शाम को चटनी से खाओ, है ये बहुत बढ़िया बात है। तो सुबह की रेसिपी की तैयारी चल रही है। पालक मिल तो गया, बड़ी मुश्किल से मिला। ये देख थोड़ा सा गला हुआ है, ऐसे टूट टूट के फेंक दे इसे ऐसे। अभी साफ करके रख देते हैं इसको, नहीं तो रात रात में और ख़राब हो जाएगा। है सोनी, पालक जल्दी ख़राब हो जाता है। लो जी, आपने बोल बोल के चाय पीना भी सिखा दिया हमको है। अभी रात का कितना टाइम हो रहा है सोनी, दिखाना ज़रा मोबाइल को। इस समय टाइम हो रहा है 9:00 है ना, 9:01 हो रही है। तो इस समय देखो चाय, निशा चाय बना के लाई, वो इसलिए बना के लाई, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था सुर सुर। मौसम ठंडा हो गया ना इसी वजह से। ये अभी हम भी चाय पीते हैं आपके साथ में। चलिए जी, आप सभी का प्यार दिखाते हैं तो हम चलते अपने सोनी विलेज लाइव ब्लॉग। ये रहा हमारा, तो ये आ गया चैनल सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों हमने यहाँ पे एक वो कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी जिस पे आप सभी का प्यार मिला है। तो यहाँ पे हमने पूछा था कि हम अपने चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने चार ऑप्शन दिए थे आपको, सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग्स, सोनी धर्मेंद्र की दुनिया और सोनी का संसार, सोनी विलेज लाइव ब्लॉग्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको आप सभी के वोट और प्यार मिला है सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग्स पर, 63% लोगों के वोट आए हैं। तो आज से यही नाम आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ पे जो सोनी विलेज लाइव लिखा हुआ है यहाँ पे सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग्स दिखने लगेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और अपना ऐसे ही हमको सपोर्ट प्यार बनाए रखना जी। तो आज से नाम चेंज होने वाला है, आज हमारे चैनल का नया नामकरण होगा सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग्स। थैंक यू जी। अभी विवेक तो बाहर ही, ना बिछैया हुआ ना कुछ भी, सो गया। ठंडी हवा लग गई इसको तो इधर भी सो। और योगेश सोनी दोनों मयूर बेटा अंदर सो रहे हैं। हमारा तो आपको पता ही है, अभी हम तो अपने काम में लगे हुए, वीडियो एडिटिंग में। जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई सोना नहीं है, भले ही रात के 12:00 वो तो बजना ही है। अभी वीडियो, ये आप जो वीडियो देख रहे हो इसको भी एडिटिंग, इसकी एडिटिंग चल रही है। जब एंडिंग का जो वीडियो उसका पार्ट जब आपके सामने शूट कर रहा हूँ, तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।